मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रामपुर में चुनावी जनसभा के दौरान कहा कि कांग्रेस सैनिक को चुनाव मैदान में उतरने पर टिप्पणी कर रही है। जिन सैनिक अधिकारियों ने कारगिल की लड़ाई में दुश्मन को खदेड़ने के लिए युद्ध मैदान में कुशल नेतृत्व किया था, ऐसे व्यक्ति पर उंगली उठाई जा रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज देश को ऐसे कर्मठ, निष्ठावान, ईमानदार लोगों की जरूरत है जो देश को आगे ले जाने में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक सैनिक इस पर खरा उतर सकता है। उन्होंने सेना में रहकर अनुशासन व ईमानदारी सीखी होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है। भाजपा राज में विकास न होने का ढिंढोरा पीट रही है। हिमाचल की भाजपा सरकार ने 4 वर्ष में वो कर दिखाया है जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि 4 लाख बुजुर्गों को जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, उन्हें सबसे पहले सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई। भाजपा सरकार से विकास का हिसाब मांगने वाले कांग्रेस के लोगों को काम गिनना नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल के बीजेपी सरकार के कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार को लेकर उंगली नहीं उठी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो कोरोना काल में भी अपनी ही पार्टी के 12 करोड़ का बिल कोरोना के दौरान जनता पर खर्च करने का दर्शाकर हाईकमान को भेजा था। ऐसे में जो संगठन लूट के लिए अपनी पार्टी को ही नहीं छोड़ सकता, वो जनता को क्या बख्शेगा। रामपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। होने के बावजूद भी, इतने बड़ा संकट होने के बावजूद भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत मजबूती के साथ जो है उसको ताकत दी है, आगे बढ़ने का अवसर दिया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें ठीक होगी। जो महंगाई का जिक्र आप लोग सब लोग हमारे विपक्ष के लोग कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से जब कोविड को रोक सकते हैं, कोविड को इसका समाधान कर सकते हैं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी इसमें भी सफल होंगे जब महंगाई भी रुकेगी। पद हिमाचल में भी बनी हुई है और ये जनरल चुनाव नहीं है, उपचुनाव है। हम आपसे सहयोग मांगने के लिए आए हैं। हम सहयोग ये मांगने के लिए आए हैं कि आज देश को जो मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, वो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास जो है मौजूद है, नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में उनको और मजबूत करने की जरूरत है। उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। 5 किलो अनाज और 1 दाल मुफ्त देना ताकि कोई भूखा ना सोए। कोविड की महामारी के कारण भोजन की किसी प्रकार की दिक्कत हमारे लोगों को ना आए, इस बात को सुनिश्चित करने का काम अगर किसने किया, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।